हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो चैनल रेसलिंग हिंदी न्यूज। तो गाइज, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं WWE के आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में, जिसे देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि WWE का ये अगला एपिसोड था सर्वाइवर सीरीज़ के पेपर व्यू से पहले। और इस वीडियो में बात करेंगे उन सभी बड़ी चीज़ों के बारे में जो कि आज हमें रॉ के एपिसोड में दिखाई दी। तो देखिए, इसमें आपकी शुरू करते हैं। इस बार शो की शुरुआत होती है रॉ के एक्टिंग जनरल मैनेजर बैरन कॉर्बन के साथ, जहां पर बैरन कॉर्बन रिंग के अंदर आके स्टेफनी मैकमैन को इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद स्टेफनी मैकमैन आती है, स्टेफनी मैकमैन बात करती है सर्वाइवर सीरीज के पेपर व्यू के बारे में, किस तरह से मंडे नाइट रॉ ने क्लीन स्वीप कर दिया स्मैकडाउन लाइव को। उसके बाद वहां से ब्रॉन स्ट्रोमन इंटरप्ट करते हुए नजर आते हैं और ब्रॉन स्ट्रोमन बात करते हैं उसी प्रॉमिस के बारे में जो कि स्टेफनी मैकमैन ने किया था, जिसके बाद स्टेफनी मैकमैन TLC के पेपर व्यू के लिए स्ट्रोमन वर्सेज कॉर्बन के बीच एक बड़ा मैच ऑफिशियल कर देती हैं। साथ में वो स्टिपुलेशन भी इस मैच में ऐड कर देती कि अगर बैरन कॉर्बन यहाँ जीते हैं तो वो रॉ के परमानेंट जनरल मैनेजर बन जाएंगे, और अगर यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमन जीते हैं तो रॉयल रंबल 2019 में वो ब्रॉक लेसनर का यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए फेस करते हुए नजर आने वाले हैं। जिसके बाद हमें देखने को मिलता है ब्रॉन स्ट्रोमन तुरंत ही रिंग के अंदर आते हैं, लेकिन उसके बाद ही स्टेफनी मैकमैन एक और मैच ऑफिशियल कर देती है जो कि था ड्रीम मैकइंटायर, जहां पर एक टैग टीम में मैच करेंगे बॉबी लेशली के साथ बैरन कॉर्बिन के साथ, और वो फेस करेंगे ब्रॉन स्ट्रोमन अलायंस एंड फिन बैलर का। एक एलिमिनेशन मैच होता है जहां पर सबसे पहले फिन बैलर की तरफ से एलिमिनेशन होती है, फिर साथ ड्रीम मैकइंटायर की भी लैमिनेशन हो जाती है, अलायंस की भी हो जाती है और ब्रॉन स्ट्रोमन एंड बचते हैं, बैरन कॉर्बिन बॉबी लैशली बचते हैं, जिसके बाद एंड में हमें ब्रॉन स्ट्रोमन पर काफी बुरी तरीके से अटैक होते हुए नजर आता है और लगता है ऐसा कि अब ब्रॉन स्ट्रोमन थोड़े टाइम के लिए इंजरी में जा चुके हैं। जिसके बाद हमें आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर आते हुए नजर आते हैं। पहले सर्वाइवर सीरीज की बात कर ले, सर्वाइवर सीरीज के बारे में बात करते हैं, जहां पर उन्होंने US चैंपियन शिंसुके नाकामुरा का फेस किया, लेकिन उसके बाद वो शील्ड के बारे में बात करते हैं, डीन एम्ब्रोस के बारे में बात करते हैं, और उसके बाद वो बैक स्टेज पर जाते हैं डीन एम्ब्रोस को ढूंढने के लिए, लेकिन बैक स्टेज पर हमें देखने को मिलता है किसी तरीके से सेथ रॉलिंस नहीं ढूंढ पाते हैं डीन एम्ब्रोस को, जिसके बाद बार बार डीन एम्ब्रोस टीज करते हैं इस बात को कि कहां पर हमें बैक स्टेज पर, लेकिन स्टिल सेथ रॉलिंस ढूंढते ही रह जाते हैं बैक स्टेज पर डीन एम्ब्रोस को। जिसका साशा बैंक्स एंड बेली वर्सेस टेमिना सुनोको एंड नाया जैक्स के बीच एक टैग टीम मैच होता है, जहां पर इस मैच में जब एंड में बेली को टैग हो जाता है तो नाया जैक्स एंड टेमिना सुनोको हमें जीती हुई नजर आती है। जिसके बाद द लूचा हाउस पार्टी वर्सेज द रिवाइवल के बीच हमें एक टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जहां पर इस मैच में लिंसे डोरांडो की तरफ से हमें जीत देखने को मिलती है और लूचा हाउस पार्टी हमें जीती हुई इस बड़े मैच में नजर आती है। जिसके बाद हमें रोंडा रोजी रॉकी वुमेन चैंपियन रिंग के अंदर आती हुई नजर आती हैं, जहां पर हमें देखने मिलता है वो TLC के पेपर व्यू के बारे में बात करती हैं, जहां पर वो नाया जैक्स का फेस करेंगी, लेकिन उसके तुरंत बाद ही वो बात करती हैं कि नाया जैक्स को खत्म करने के बाद वो शार्लोट फ्लेयर के साथ वो चीज़ें खत्म करेंगी जो कि उन्होंने शुरू की थी। जिसके बाद वो अपने टाइटल को डिफेंड करना चाहते हैं, लेकिन रॉ के एक्टिंग जनरल मैनेजर बैरन कॉर्बिन वहां पर आ जाते हैं, जहां पर उनका कहना ये होता है कि वो अपने टाइटल को डिफेंड नहीं कर सकती हैं, लेकिन यहां पर रोंडा रोजी कहती है कि वो एक रॉकी वुमेन चैंपियन एक फाइटिंग चैंपियन, जिसके कारण वो इस टाइटल को जरूर डिफेंड करने वाले हैं। जिसके बाद माइकी जेम्स उस चैलेंज को एक्सेप्ट करती हैं और माइकी जेम्स वर्सेस रोंडा रोजी के बीच में एक टाइटल मैच देखने को मिलता है, और इस मैच में हमें रोंडा रोजी आंपर देने के बाद माइकी जेम्स को टैप कराते हुए नजर आती है, रोंडा रोजी काफी आसानी से इस मैच में जीत हासिल कर लेते हैं। जिसके बाद ही ऑथर ऑफ मैच वर्सेज बॉबी रूडी एंड चैट गेबल के बीच एक टैग टीम मैच होता है, जहां पर इस टैग टीम मैच में एक शॉकिंग विक्ट्री हमें चैट गेबल एंड बॉबी रूडी की दिखाई देती है और इस मैच में हमें जीत हासिल करते हुए नजर आती है। जिसके बाद हमें निटालिया वर्सेज रूबी रेड के बीच एक सिंगल्स मैच देखने को मिलता है, जहां पर इस मैच में निटालिया की तरफ से काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आती है और एंड में फाइनली इसमें हमें जीतते हुए नजर आती है निटालिया। लेकिन इसके बाद फाइनली मेन इवेंट में हमें तो लुनाटिक फ्रेंच दिया है, जो डीन एम्ब्रोस एरिना के अंदर आते हुए नजर आते हैं और रिंग के अंदर आते हैं, जहां पर वो बात करते हैं शील्ड के बारे में, और उनका कहना ये होता है कि जो लोग हैं यहां सारे एरिना के अंदर वो भी सब सेम ही है क्योंकि मेरी तरह ही है वो लोग, क्योंकि अगर उन्हें पैसा वगैरह मिलेगा तो अपने दोस्त पर अटैक जरूर करने वाले हैं। जिसके बाद अचानक से हमें देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस को थोड़ी देर के लिए चैलेंज कर देते हैं, और अचानक से सेथ रॉलिंस वहां से हमें आते हुए नजर आता है और सेथ रॉलिंस जैसे तुरंत अटैक करने चलते हैं यहां पर डीन एम्ब्रोस पर। डीन एम्ब्रोस पहले भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद वो रिंग के अंदर खड़े होते हैं और अचानक से हमें डीन एम्ब्रोस एंड सेथ रॉलिंस के बीच एक बड़ा कोलाइड देखने को मिलता है, जहां पर लगातार दी आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस डीन एम्ब्रोस को बुरी तरह मारते हैं, लेकिन बीच में डीन एम्ब्रोस लो ब्लो का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसके बाद हमें अचानक से डीन एम्ब्रोस एक डर्टी डीड्स भी देते हुए नजर आते हैं सेथ रॉलिंस को, जब वो लगातार कहते हैं कि तुम मुझसे बात करना चाहते थे। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि आपको कैसा लगा आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड, जिसे देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा और सर्वाइवर सीरीज का अगला एपिसोड था मंडे नाइट रॉ का। और इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से WWE के अपडेट्स, न्यूज़, रूमर्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिलती रहें। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।